सो गाइस, एक बार रात के 3 बजे एक चुड़ैल पड़ी होती है विलेजर के पीछे, जो कि उसे बहुत दूर से भगा रही होती है। लेकिन वो बेचारा विलेजर जैसे तैसे करके वहां से भाग निकलता है बहुत दूर। वो बहुत डर चुका था, लेकिन फिर वो भागते भागते हमारे घर के पास आता है, हमारे गेट को खटखटाता है, लेकिन हम लोग सो रहे होते हैं। फिर हम दोनों जाग जाते हैं, हम दोनों देखते हैं कि बाहर ये क्या कर रहा है। फिर हमें ये पूरी कहानी सुनाता है और हमें अपने साथ लेकर चला जाता है वहीं पे जहां पर वो चुड़ैल इसको पकड़ रही थी। और उसके बाद जब हम दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं उसी खतरनाक सी केव को जिसके अंदर से वो चुड़ैल आई थी। लेकिन उस समय वहां पे एक भी चुड़ैल नहीं थी जो हमें दिखाई दे सके। गुड मॉर्निंग दोस्तों, ये देखो सुबह हो चुकी है। सो भाई चलो चलते हैं और देखते हैं इस स्कैरी। हाँ व्हाट, इतनी भीड़ को लगी है यहाँ पे? भाई पता नहीं, लगता है यहाँ पे कोई मर गया। ओ भाई यहाँ पे ब्लड है, लेकिन वो ऊपर क्या है, मैंने इसको निकाल लिया है। चल भाई यहाँ पर मैं सीसीटीवी कैमरा लगा देता हूँ। भाई यहाँ पे कैमरा लगाना बहुत जरूरी है। तुझे याद हुआ रात में क्या हुआ था? रात में विलेजर को मरते मरते हम लोगों ने बचा लिया था। हाँ भाई मुझे सब कुछ याद है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा दिया है। इस बात से ये साबित तो हो चुका है कि हमारा विलेज और हमारा वर्ल्ड सेफ बिल्कुल नहीं है। दोस्तों रात हो चुकी है, रात के 3 बज रहे हैं और वो चुड़ैल वो अपने केव से बाहर निकलकर बाहर आ चुकी है। लगता है उसे भूख लग रही है, इसीलिए वो विलेज की तरफ बढ़ रही है। वो खाने के लिए पागल हो रही है, जो भी उसे मिलेगा वो उसे खा लेगी। और हम दोनों भी सो चुके हैं, वो हमारे पास आ चुकी है, हमारे पीछे खड़ी है वो। गुड मॉर्निंग गाइस, सो ये देखो दोस्तों सुबह हो चुकी है फाइनली। ये क्या है? ओ शिट यार, ये क्या था भाई? भाई उठ गया तू? ये देख ये क्या है, स्कैरी विलेजर का सर और पिग यहाँ मरे हुए क्यों पड़े हैं? ओबे ये क्या हो रहा है? और नीचे क्या है, वो सारे विलेजर्स कहाँ चले गए? नीचे और ज्यादा खून हो चुका है। भाई कल रात यहाँ पे कोई आया था क्या? मुझे लगता है ना कि रात में उसको भूख लगी होगी चुड़ैल को, और जब वो यहाँ पर आई होगी तो उसने पूरे विलेज के मॉब्स को और विलेजर्स को खा लिया होगा। हाँ भाई सारे विलेजर्स को खा लिया है, और सारे पिग काओ और शीप वगैरह सबको खा लिया। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, कहीं वो मुझे ना खा ले। अबे यार मुझे तो बहुत डर लगता है उससे। जल्दी भागो यहाँ से यार, मैं तो बहुत डर गया हूँ उससे। गेट बंद करो, मेरी बात सुन, ये तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर वो ऐसी वो खाती रहेगी तो हमारा क्या होगा फिर? गाइस आप लोग देख रहे हो ना कि क्या हाल हो रहा है आर्मी के जवानों का। उन चुड़ैल के आगे कोई भी नहीं टिक पा रहा है, तो हम लोग उसके सामने क्या चीज है। उस चुड़ैल ने अपना आतंक मचाना शुरू कर दिया है, लेकिन उसके साथ साथ कोई और भी आ चुका है। लेकिन वो कौन है? लगता है वो चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक कोई शैतान है। हाँ भाई लगता है वो चुड़ैल का भाई है, जो कि चुड़ैल से भी ज्यादा खतरनाक उसका चेहरा है, और वो उससे भी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है। तूने बिल्कुल सही कहा, मैं तो सोने जा रहा हूँ, तू भी सो जा। अबे रुक जा यार, रुक जा, मैं भी बाहर देख के आता हूँ आखिरकार बाहर क्या हो रहा है। कोई आया तो नहीं है यहाँ पे। चलो चलो चलता हूँ और देखता हूँ आसपास कोई है तो नहीं। ये कौन है?
ये कोई इंसान मर गया है और यहाँ पे किसी ने तबाही मचाई है और यहाँ पे भी सबको मार दिया है और इनको भी मार दिया है। ये कितना खतरनाक लोग हैं। ओए इनको भी मार दिया और किसको मारा है, यहाँ पे सभी जवानों को मार दिया है। ओ माय गॉड, लेकिन ये चुड़ैल है कहाँ पे? आज मैं इस चुड़ैल को छोड़ूंगा नहीं, इसने मेरे सारे दोस्तों को मार दिया और सारे सोल्जर्स को भी मार दिया। ये रहती कहाँ है? ये इस केव के अंदर रहती है ना, आज मैं इसके अंदर जाके इसका काम तमाम करूंगा। आज सच में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। हाँ गुड मॉर्निंग भाई। हाँ अबे भाई, हेलो हेलो ब्रो, कहाँ पर है तू, बाहर है क्या? ये क्या, ये कौन है, मारो ने, अरे मारो, अबे शैतान शैतान घुसा है। ओके ये तो बहुत सारे, मारो इन्हें। ये शैतान कहाँ से आ रहे हैं दोस्तों, ये शैतान कहाँ से आ रहे हैं, मारो इन्हें। और मेरा भाई कहाँ पर है? अरे जाओ प्लीज जाओ प्लीज जाओ प्लीज। हा 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 हा, तू यहाँ पर है, मैं तेरा इंतजार कर रहा था, तू कब सोकर उठेगा और हम सब मिलकर तुझे कब खाएंगे। दोस्तों मेरा भाई नहीं मिल रहा है मुझे, कहीं उसने बेवकूफी तो नहीं कर दी इस केव के अंदर जाने की, मैं भी जा रहा हूँ इसके अंदर। सो मैं आ चुका हूँ इसके अंदर। ये क्या है मेरे सामने, शायद चुड़ैल खड़ी हुई है, मुझे चुड़ैल को मारना पड़ेगा और मेरे पास दूसरा कोई और चांस नहीं है, चुड़ैल को मारना है और अपने भाई को बचाना है। लेकिन लगता है चुड़ैल तुम बहुत ही भोली हो, तुम्हें ये नहीं पता तुम लोग मुझे नहीं मार सकती। जब तक मेरे पास ये गन है ना, तुम लोग क्या, तुम में से कोई मुझको नहीं मार सकता। मेरा भाई कहाँ है ये बताओ मुझे, मैंने इन सारी चुड़ैल को मार दिया है। अरे भाई तुम यहाँ बैठे हो, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ चुका हूँ। हेलो ब्रो, तू फाइनली आ चुका है। यार ये चुड़ैल ने मेरे को पकड़ लिया था, मैं तो बस अपने दोस्तों का बदला लेने के लिए आया था, लेकिन इसने मेरे को खींच लिया अंदर। लेकिन तूने इतनी बड़ी बेवकूफी क्यों करी? ये हाँ, ये इतनी बड़ी चुड़ैल अब कहाँ से आ रही है, मार इसे भाई। अरे इसको मारना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा तू यहाँ पर है, मैं तुझे बाहर ढूंढ रही थी और तू यहाँ पर निकला। आजा आजा बच्चे, मेरे पेट में आजा, मेरे पेट में आजा, जल्दी मुझे मत मारो। तुम लोग मुझे क्यों मार रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ खाना चाहती हूँ। और मैं अबे निकल यहाँ से चुड़ैल की बच्ची, ज्यादा होशियार बन रही थी मेरे सामने। भाई तूने देखा, हमने चुड़ैल को मार दिया, एकदम जान से मार दिया है। सो गाइस ये देखो, हम लोग आ चुके हैं शर्मा जी के घर पे, जिन्होंने एक नया घर खरीदा है बिल्कुल अभी के अभी, और ये बहुत ही महंगा है। अरे थैंक यू शर्मा अंकल जी, आपने इतनी अच्छी खाना बनाया था एंड इतनी अच्छी डिशेस थी आपकी, मुझे तो बहुत टेस्टी लगा आपका खाना। हाँ भाई ये काफी टेस्टी था, लेकिन अब काफी रात हो चुकी है तो हम लोगों को अब निकलना चाहिए अपने घर के लिए। चलो अपने घर पे निकलते हैं। शर्मा जी बाय बाय, हम लोग दोबारा फिर से आएंगे हमारी पूरी फैमिली के साथ। ओबे भाई बहुत रात हो चुकी है, मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। चलो अच्छा हुआ हम लोग अपने घर पे आ गए, चलो चलते हैं ऊपर। हाँ भाई चलो, अब जल्दी से टाइम हो चुका है अपने सोने का, तो चलो। और वहाँ का खाना भी काफी मस्त था, मुझे तो बहुत मजा आया, और मैं सच बताऊँ तो सिर्फ खाना खाने के लिए वहाँ पे गई थी। सो गाइस ये देखो, मैं यहाँ पे टीवी देखने वाला हूँ देर रात तक, और मेरे भाई बहन यानी कि वो लोग सो चुके हैं। दोस्तों रात हो चुकी है, रात के 3 बज रहे हैं, और ये क्या, एक चुड़ैल ने हमारे घर पे हमला करने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये 2 चुड़ैल हमारे घर पे हमला करने वाली है। हाँ मैं टीवी देखते देखते सो गया यार, लेकिन अभी रात हो रही है यार, अभी काफी अंधेरा है मेरे घर में। मेरे घर में इतना अंधेरा क्यों है, सारी लाइटें कहाँ चली गई? अबे तुम लोग सो रहे हो अभी तक? अबे भाई क्या हो गया, तू इतना शोर क्यों मचा रहा है? अबे सो जा और मेरे को भी सोने दे। अबे यार मैं सो तो रहा हूँ, बट ये मेरी नींद खुल गई है और मेरे को नींद आ ही नहीं रही है। आज मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं हूँ दुनिया की सबसे खतरनाक चुड़ैल, और आज मैं इस घर में रहने वाले लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ लेकर जाऊंगी। लेकिन ये
गाइस यहाँ पर सुबह हो चुकी है फाइनली। अरे वाह, मैं सोकर उठ चुका हूँ, लेकिन मेरे घर में टीवी अभी तक चल रही है। मैं तो रात को देख रहा, टीवी अभी तक चालू है भाई। लेकिन ये क्या, अबे ये क्या खून, ये खून यहाँ पर कैसे आया? और मेरे भाई और बहन कहाँ चले गए? अबे वो दोनों मेरे भाई बहन कहाँ से गायब हो चुके हैं? और ये खून के निशान कहाँ जा रहे हैं? लेकिन रुको, शर्मा जी घर पे कोई है क्या? हेलो शर्मा जी, आप लोग घर पे हो क्या? हेलो शर्मा जी। हाँ गाइस, शर्मा जी के घर में खून पड़ा है। शर्मा जी, हाँ शर्मा जी, घर में आपके क्या हुआ था? अरे बेटा, रात में वो चुड़ैल आई थी और वो सबको उठाकर ले गई, और पता नहीं वो कहाँ चली गई, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तुम जाके उसको ढूंढ लो बेटा, जल्दी जाओ, वरना वो तुम्हारे परिवार को और मेरे परिवार को जान से मार देगी। अच्छा अंकल, ये सब हुआ था क्या रात को? अरे आप चिंता मत करो अंकल, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, ठीक है? आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा अंकल। लेकिन अंकल, आप मेरे को कहाँ पर लेके जा रहे हो? ये क्या है अंकल? हाँ क्या, मैं चेक करूँ इसमें कि रात को क्या हुआ था? ये देखो, कुछ इस तरह वो चुड़ैल रात को आई थी। अंकल आपने बहुत ही बढ़िया मेरे को क्लू दिया है, अब मुझे अंदाजा हो गया ये लोग कैसे आए होंगे। अंकल आपने ये बहुत ही अच्छा किया जो आपने कैमरे लगा दिए, और मैं इससे बहुत ही बढ़िया पहचान पाऊंगा कि यहाँ पर कैसे ये लोग आए थे और कैसे इन्होंने बंदी बनाया हमारे दोस्तों को। ये देखो चुड़ैल ने मेरे को यहाँ को, ये मैं बैठा हूँ भाई, नहीं ओके मैं सो रहा था, हाँ इसने मेरे को पकड़ा नहीं, और बल्कि वो उन दोनों को लेके चला गया, इसी वजह से मैं बच गया था शायद। ओके अंकल मैं समझ गया, वो चुड़ैल ना उस चुड़ैल ने मेरे को मारा ना आपको मारा, और वो हमारे पूरी फैमिली को लेके चली गई है। तो अंकल क्या करें हम लोग, आप कुछ बताओ अंकल। क्या ये क्या है अंकल, ये क्या है? ये तो वेल है क्या? वो इसके अंदर लेकर गई है उसको? गाइस देखो अंकल क्या बोल रहे हैं, वो चुड़ैल इस वेल के अंदर मेरे सभी दोस्तों को लेकर गई हुई है। ये चलो पुलिस में करते हैं कंप्लेन। पुलिस पुलिस भैया हमारी कंप्लेन लिख लो, प्लीज पुलिस भैया हमारी कंप्लेन लिख लो, लिख लो। चुड़ैल ने हमला कर दिया है हमारे घर पर, उसने सब खत्म कर दिया, उसने सबको मार दिया। अरे आप चिंता मत करो, मैं हूँ इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ता हूँ। आप बस ये बताओ कि करना क्या है और वो चुड़ैल हमें कहाँ मिलेंगी, उसके बाद देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरा नाम है इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे और मैं किसी को नहीं छोड़ता हूँ। अरे यार आपने कुछ पैसे वैसे दिए नहीं, ऐसे ही कंप्लेन लेके आ चुके हो। पैसे दो पैसे, उसके बाद ही मैं काम करूंगा। मेरा नाम पुलिस है भाई। आपने फिर से मुझसे पैसे मांगे, मेरे पास तो फूटी कौड़ी रही है, तो मैं आपको पैसे कहाँ से दूंगा? लगता है मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा, मेरे को अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी। चल भाई इसके अंदर चलते हैं। लगता है कोई आने वाला है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, सब लोग सावधान हो जाओ, लगता है कोई आने वाला है। लेकिन यहाँ पर कोई भी आ जाए वो हमारे हाथों से नहीं बचेगा, खासकर हम लोग इन बच्चों को तो कभी नहीं छोड़ेंगे। देखो दोस्तों, चुड़ैल कितनी सारी है नीचे वेल के अंदर, आप लोग देख सकते हो। लेकिन चलो देखते हैं कि मेरे भाई और मेरी बहन और शर्मा जी की फैमिली यहाँ बंद हो चुकी है। ये तो सारे के सारे यहाँ बंद हो चुके हैं। लेकिन गाइस हमें अपने भाई बहनों को बचाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग इतनी सारी चुड़ैल से फाइट कैसे करेंगे? मारो इन सभी को, मारो चुड़ैल, तुम लोग बचोगे, निकलो यहाँ चुड़ैल, मारो इन्हें, मारो बेटा, मारो इन्हें बेटा, तुम इसे छोड़ना मत बेटा, इन्हें मारो, तुम इन सारी चुड़ैलों को मार दो मेरे प्यारे बेटे, तुम बहुत ही अच्छे हो, मारो इन्हें, मारो, छोड़ना मत इन्हें। अंकल आप चिंता मत करो, मैं सबको मार दूंगा, मैं इन सारी चुड़ैल को मार दूंगा। ये लो निकलो यहाँ से, निकलो चुड़ैल। अबे नहीं, ये बहुत सारी हैं।
तुम मुझे नहीं मार सकता, मैं तुझे मार दूंगी, तू मुझे नहीं मार सकता। ओके फाइनली मैंने कर दिखाया, मैंने सारी चुड़ैल को मार दिया है। चलो अपने भाइयों बहनों को यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों अभी रात के 3 बज रहे हैं और मैं और भाई अपने घर में सो रहे हैं। एंड हम लोगों ने बहुत ही काम किया था आज, इसीलिए हम लोग थक गए हैं। लेकिन उसी टाइम रात को बाहर से आवाजें आती हैं। गेट खोलने पर पता लगता है कि वहां पे आ चुका है खतरनाक सा शेन सोनिक, जो कि हमने कभी सोचा नहीं था। और ये इतना बड़ा था कि एक ही बार में पूरी दुनिया को खा सकता था। इसको देखकर मेरी आंखें पागल हो चुकी थी। ये इतना साइज में बड़ा था कि इसे कोई भी डिफीट नहीं कर सकता था। गुड मॉर्निंग भाई, तू सोकर उठ चुका है, तेरी नींद कैसी गई? अरे भाई मैं तो एकदम आराम से उठ चुका हूँ और नींद तो मुझे बहुत ही अच्छी आई थी। चलो भाई ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, बहुत ही जल्दी हम लोग ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। चलो न्यूज़ क्या आ रही है टीवी के अंदर देखते हैं। तो अभी ये क्या टीवी के अंदर ये न्यूज क्या आ रही है, हमारे शहर में आ चुका है एक खतरनाक सा शिन सोनिक और उसको हमारे सारे विलेजर मिलके मार रहे हैं। लेकिन इस बात की हमें खबर भी नहीं है, हमें बाहर जाके अपने दोस्तों की हेल्प करनी पड़ेगी। हाँ भाई तो ठीक कह रहे हैं। और ये मॉन्स्टर कितना बड़ा है सच में, ओ शिट यार। इस पूरी दुनिया पर मेरा ही राज होगा। भाई यार मेरी बात सुन, ये शिन सोनिक बहुत ही खतरनाक है और ये अपने आप को यहाँ का राजा मानता है। हमें इसको यहाँ पे हराना पड़ेगा, हमें पहले बाहर जाके चेक करना पड़ेगा। वो देख भाई, वो हमारे सामने खड़ा है शिन सोनिक और वो साइज में बहुत ही बड़ा है। हाँ भाई तो घर के बाहर ही खड़ा हुआ है, चल फटाफट चलते हैं। ओ भाई सच में ये बहुत खतरनाक है और ये हमारे पूरे विलेज पे कब्जा करना चाहता है। ये रहा वो शिन सोनिक। शिट, ओ माय गॉड, ये कितना खतरनाक है। चल आगे चलते हैं जल्दी, लेट्स गो। ये देख हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और ये सारे विलेजर, पुलिस, यहाँ की आर्मी इसको डिफीट करने की ट्राई कर रही है। लेकिन इसको मारना मुझे पता है पॉसिबल नहीं है। हा, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो, और अभी तो कुछ भी नहीं है। आज रात मेरे दोस्त आने वाले हैं और फिर हमारा ही इस पूरी दुनिया के ऊपर राज होगा। दोस्तों रात हो चुकी है, ये देखो। एंड ये क्या, शिन सोनिक ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर तो उसका दोस्त आ रहा है रेड सोनिक, जो कि आसमान से आ रहा है और यहाँ पे उसके सारे दोस्त आ चुके हैं। रेड सोनिक, येलो सोनिक, ब्लू सोनिक, ये तीनों मिलके अब तबाही मचाने वाले हैं। मैं आ चुका हूँ मेरे भाई, और अब हम तीनों मिलकर इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे। मुझे बता भाई, तुझे किसने परेशान किया, मैं उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। अब देखो मैं सुबह क्या करता हूँ। दोस्तों सुबह हो चुकी है और मैं और मेरा भाई आराम से सो रहे हैं। हमें कोई खबर नहीं है हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है और क्या क्या हो चुका था। हम जैसे ही बाहर देखते हैं तो 3 दिन शिन सोनिक ने मिलकर सारे के सारे विलेजर्स को जान से मार दिया और उनके मांस को खा लिया है। और जो सारे के सारे आर्मी के सोल्जर्स थे ना, उनको भी जान से मार दिया है। कोई भी टैंकर इनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा है और ना कोई गन इन्हें मार सकती है। तो फिर इनका अंत कैसे होगा, कोई इन्हें कैसे मारेगा? हमारे सारे आर्मी के जवान सब मर चुके हैं, ये देखो कोई भी जिंदा नहीं बचा है। इन तीनों ने सच कहा था, ये लोग पूरी दुनिया पर राज करेंगे। अबे भाई उठ जा भाई, ये देख बाहर देख क्या हो रहा है, वो 3 दिन शिन सोनिक खड़े हुए हैं सामने। ये लोग कहाँ से आए? हाँ भाई ये लोग कहाँ, ओ भाई इन लोगों ने तो सारे विलेजर्स को मार दिया है, इन लोगों ने तबाही मचा दी है भाई इन तीनों ने। यार जल्दी चलते हैं बाहर, चल के देखते हैं। जल्दी जल्दी बाहर चलो, हमें बाहर जाके देखना पड़ेगा वो लोग क्या कर रहे हैं और हम उन्हें कैसे मार सकते हैं। भाई को सोच यार। और ये देख
पीत। ओबे, हमारे पुलिस अंकल मर चुके हैं और आर्मी के अंकल भी मर चुके हैं। हाँ भाई, तो ठीक कह रहे। ओ माय गॉड, नीचे भी तबाही मचा रखी है। नीचे टैंकर पड़ा है, अब हम लोग क्या करेंगे? चल चल आगे चलते हैं ब्रिज से। और ये लोग कितने बड़े हैं यार, इनको भी मार दिया। इन लोगों ने किसी को छोड़ा ही नहीं है। सच में इन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं है, लिटरली। इतने खतरनाक कोई कैसे हो सकता है? जल्दी भागो यहाँ से, कहीं हमको देख ना ले। यार ब्रो, इस हाथ तोड़ दे इस ब्रिज को ताकि वो लोग आ ना पाए। हाँ ठीक है, मैंने इसको तोड़ दिया है, और वो लोग नहीं आ पाएंगे। लेकिन भाई मेरी बात सुन, हम लोग इन्हें ऐसे बिल्कुल भी नहीं मार सकते। इन्हें मारने के लिए पहले हमें जाना पड़ेगा माइनिंग पे, कुछ गन्स को लेके आना पड़ेगा। हमें इनके ऊपर गन से फायर करनी पड़ेगी, फिर शायद इन्हें कुछ हो जाए, वरना हम लोग अपने हाथों से इन्हें कभी नहीं मार सकते। हाँ भाई, हमें अपने सीक्रेट वेपन्स लाने पड़ेंगे। चल चल चलते हैं फटाफट से, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। ओके, सो हम लोग अपने बेसमेंट के अंदर आ चुके हैं और इसमें बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। और हमें यहाँ से बहुत सारी गन लेनी है ताकि हम लोग इन्हें मार पाए भाई। लेकिन हमारे पास बेस्ट गन है या फिर नहीं? है भाई, बहुत सारी। हम पे बाज़ूका भी है, तो बस देखता जा। हम लोगों के पास बहुत कुछ है, बहुत ही ज्यादा वेपन। अगर हमारे पास ये सारी गन्स हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो हम लोग उन लोगों से फाइट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। अरे वाह, क्या गन है ब्रो, मजा ही आने वाला है बिल्कुल। मेरी बात सुनो तुम दोनों बच्चों, मेरे सामने आ जाओ वरना मैं पूरे विलेज को आग से जला दूंगा। मैं कहता हूँ बाहर निकल आओ वरना हम तीनों मिलके इस पूरी दुनिया को जला देंगे। और तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। अरे भाई, चिंता किस बात की कर रहे हो? तुम बिना किसी चिंता करे इस पूरी दुनिया को जला दो, ये सब बहुत ही अच्छी बात है। और फिर हम तीनों मिलके इस दुनिया पे राज करेंगे, हम यहाँ के राजा होंगे और बाकी सब हमारी प्रजा होगी। गाइज, आप लोग देख रहे हो ये लोग कैसे पूरी दुनिया को तबाह कर रहे हैं, सबको जान से मार रहे हैं एंड पूरी दुनिया को जला रहे हैं। हम लोग इन्हें मारने के लिए क्या करें दोस्तों? आप लोग हमारी प्लीज हेल्प करो भाई। यार हमने अपनी गन ले ली है, जल्द बाहर चलते हैं उन्हें मारने के लिए। हाँ चलो, अब मैं उनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। ये लोग हमारे पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ना। ओ बे बॉय, ये रे तीनों, शिट, इनको मारो फटाफट से। ओ नो, इन्होंने अटैक कर दिया। ओ बे भाई, ये कहाँ चला गया इलोसोनिक? शिट शिट, मारो इनको भाई। ये लोग कहीं भी जाए लेकिन हमें इनको मारना है, हमें इनको मारे बिना छोड़ना नहीं है, ये लोग बहुत बुरे हैं। हाँ भाई ठीक है, चल चल मैं तो मार रहा हूँ, लेकिन ये मर क्यों नहीं रहे? इसके कितने हार्ट्स हो सकते हैं? शिट, ओबे मर जा भाई प्लीज। मारो भाई, नहीं छोड़ूंगा, आज मार दूंगा। ये देख, मैंने मार दिया येलो सोनिक को और अब बारी है रेड सोनिक को मारने की। हाँ जल्दी मारो इसको, ये तो बहुत ही खतरनाक था। तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते, मुझे कोई नहीं मार सकता, तुम लोग मुझे बिल्कुल नहीं मार पाओगे। मेरे भाइयों को मारकर तुम क्या समझ रहे हो? मुझे मार दोगे? नहीं, मुझे नहीं मार सकते, तुम लोग कभी मुझे नहीं मार सकते हो। हा हा हा। अबे लगता है ये शिनसोनिक पागल है, इसको हमने कप कप का मार दिया और ये फालतू बकवास कर रहा है कि हम लोग इसे मार ही नहीं पाएंगे। हम लोगों ने मार दिया। सुनिए सुनिए, हमारे शहर में आ चुकी है स्लेंडरीना घोस्ट और उसने हमला कर दिया है। कृपया आप लोग अपने घर पे रहें और सेफ रहें, अपना ध्यान रखें, धन्यवाद। हाँ अबे, ये क्या टीवी के अंदर ये क्या आ रहा है? टीवी के अंदर बता रहे हैं कि हमारे वर्ल्ड में आ चुकी है स्लेंडरीना घोस्ट, लेकिन ये कैसे हो सकता है माइनक्राफ्ट के अंदर? दोस्तों स्लेंडरीना कैसे आ सकती है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन डोर पे कौन आ गया सुबह सुबह? अबे डोर पे कौन है कहीं से? हाँ भाई, तू क्या कर रहा है यहाँ पर? ओबे भाई, तू क्या कर रहा है? तू उठ गया क्या? ओबे मेरे को लगा तू सो रहा होगा, इसलिए मैं तुझे उठाने के लिए आया हूँ। लेकिन भाई तू फटाफट मेरे घर पे चल। क्यों, तेरे घर पे ऐसा क्या हो गया? भाई तेरे घर पे मैं क्यों जाऊँ फालतू में सुबह सुबह? भाई मैं चाय पीने जा रहा हूँ। अबे बाद में चाय पीना, पहले मेरे घर पे चल फटाफट। भाई कुछ खतरनाक चीजें हो रही है मेरे घर पे। लेकिन तेरे घर पे ऐसा क्या हो रहा है भाई? लगता तू पागल वागल हो चुका है। भाई तेरे घर पे क्या हो रहा है ऐसा?
ओके, तेरे घर पे कुछ भी नहीं है, फिर तू क्यों बोल रहा है भाई? ओबे भाई, मैं तुझे क्या ही बताऊं, मेरे घर पे सच में बहुत खतरनाक आवाजें आती हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ 2 दिन से हो रहा है। क्या खतरनाक आवाजें आती हैं और 2 दिन से? हाँ, ये क्या, तेरे बेड के नीचे वो कौन है, जरा देख तो एक बार। ओ माय गॉड, वो तो स्लेंडरीना घोस्ट है जो कि तेरे बेड के नीचे क्यों आई है? अबे ये यहाँ पे क्या कर रही है? ओ माय गॉड, सच में? अबे भाई यहाँ पे क्या कर रही है? मुझे क्या पता ये यहाँ पर क्या कर रही है, मैंने बिल्कुल अभी भी एक न्यूज देखी थी स्लेंडरीना के बारे में कि वो हमारे शहर में आ चुकी है, लेकिन वो तो तेरे घर के नीचे ही बैठी हुई है, इसका मतलब वो तेरे को जान से मारे बिना यहाँ से नहीं जाने वाली। ओबे इसको पूरे शहर में सिर्फ मेरा ही घर मिला था क्या, जो कि सिर्फ मेरे घर में आके मेरे बेड के नीचे बैठ गई, अब तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। भाई कुछ कर, अपना दिमाग चला इसको मारने के लिए। भाई यार मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, ये बहुत ही खतरनाक स्लेंडरीना है। पागल है क्या भाई, तेरे क्या हाथ नहीं है जो तू कुछ कर नहीं सकता, कुछ तो कर। ओबे मैं ही कुछ करता हूँ, रुक जा, मैं लावा लेके आ चुका हूँ और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं अब। हाँ चलो भाई इसको लावा से मारते हैं, इसको लावा से हम लोग एक ही बार में जान से मार डालेंगे, फिर ये दोबारा कभी हमारे वर्ल्ड में नहीं आने वाली है। मारेगा कैसे, वो तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या, लेकिन इतनी जल्दी वो यहाँ से कहाँ गायब हो सकती है? पता नहीं वो कहाँ चली गई, सच में इतनी जल्दी तो भाई कोई भी नहीं जा सकता, जैसे कि ये चली गई, लेकिन इतनी जल्दी कहाँ चली गई, ये तो बाहर जा ही नहीं सकती इतनी जल्दी। ये तो मुझे भी नहीं पता इतनी जल्दी वो कहाँ चली गई यार, वैसे वो कहाँ जा सकती है ये सोच एक बार। ओबे वो कहीं नहीं जा सकती है, क्योंकि जब तू लावा लेने गया था ना तो मैं बाहर ही खड़ा था, और तब तो ये कहीं भी नहीं गई थी। मुझे लगता है वो तेरे घर के अंदर ही है और तुझे वो लोकेशन नहीं मालूम है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पता नहीं। यार हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि हमारे जाने के बाद इतनी जल्दी वो यहाँ से गायब कैसे हो गई, इसलिए मैंने लगा दिए तेरे घर में CCTV कैमरास। हाँ भाई ये बढ़िया आइडिया है, तूने अच्छा करा इनको लगा के, अब हमें सब कुछ पता लग जाएगा। चलो अभी देखते हैं वो कहाँ जाती है और कहाँ रहती है। हाँ चलो देखते हैं, सारे कैमरे हम लोगों ने लगा दिए हैं और हमें अपने घर पे जाना पड़ेगा, रात होने का इंतजार करना पड़ेगा, चलो चलते हैं। भाई ये देख रात हो चुकी है और हमें कैमरे को चेक करना है तेरे घर वाले कि तेरे घर में कोई एक्टिविटी हो रही है या फिर नहीं, या फिर ऐसे ही तेरा वहम है, या फिर वो यहाँ से चली गई है। पता नहीं भाई, लेकिन हमें चेक करना पड़ेगा। अबे हम तो सो गए थे ना, चलो चेक करते हैं, लेट्स सी। ओके, लेकिन भाई मेरे घर में तो बहुत शांति है। हाँ यार तेरे घर में बहुत शांति है, ना कोई शोर ना कोई शराबा, एंड यहाँ पे कोई भी नहीं है, लगता है सिलेंडरीना। हाँ ये क्या, वहाँ पे डोर ओपन हुआ। अरे भाई तेरे घर में सिलेंडरीना है और वो तेरे कबर्ड के अंदर से आई है, इसका मतलब वहाँ पे कोई सीक्रेट लोकेशन है जहाँ पे ये रहती है। ओ माई गॉड, मेरा नाम है स्लेंडरीना, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको जान से मार दूंगी, मेरा नाम है स्लेंडरीना। लेकिन भाई वो कहाँ चली गई, जरा ट्राई कर एक बार, देख देख भाई वो बाहर कहाँ जा रही है, वो तो अपने घर से तेरे घर से बाहर आ चुकी है। अबे अबे ये कितनी कितनी खतरनाक है भाई, ये क्या करे भाई। अबे हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये क्या कर रही है भाई, ये तो एकदम ग्रहणी की तरह लगती है, सच में ये ग्रहणी है।